दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक जनरल यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी एसईओ मिस्टेक जो स्मॉल यूट्यूबर करते हैं और जो एक वक्त पे मैं भी करा करता था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड और यूट्यूब रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती है। और दोस्तों आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना चाहिए ताकि आप हमारी वीडियो के अपडेट कभी भी मिस ना कर पाए। दोस्तों मिस्टेक नंबर 1 हैविंग ए लॉन्ग इंट्रो। दोस्तों अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं पहले एक यूट्यूब इंट्रो यूज करता था जो 10 से 12 सेकंड का होता था, मगर अब मैं उसे यूज नहीं करता हूं, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि यूट्यूब पे आपके पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड होते हैं अपने व्यूअर को होक करके रखने के लिए। उस 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होती है या ऐसी चीज दिखानी होती है जिसकी वजह से उसने आपकी यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करा था। अगर आप उन 10 से 15 सेकंड के अंदर उसे एक लंबा सा इंट्रो दिखाएंगे तो वो आपकी वीडियो छोड़ के चला जाएगा। इसलिए मेरी आपको एक सजेशन है दोस्तों कि अगर आप यूट्यूब इंट्रो यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 से 6 सेकंड का यूज करें, उससे ज्यादा लंबा इंट्रो यूज ना करें। दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 है स्टार्टिंग वीडियो विद इंट्रो। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यूअर है जिसके पास लिमिटेड इंटरनेट है और वो यूट्यूब पे किसी वीडियो को सर्च करता है और वीडियो रिजल्ट में आपकी वीडियो आती है और वो आपकी वीडियो पे क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो लोड होना शुरू होती है और आपका लोड होता है 15 सेकंड का इंट्रो, तो उस व्यूअर को कितना बुरा लगेगा। उसका इंटरनेट भी यूज हो रहा है और उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपकी वीडियो से वो नहीं मिल रही है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो वीडियो है उसकी शुरुआत में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है थोड़ी, उसके बाद आपको इंट्रो लगाना है और वो भी कम से कम 5 से 6 सेकंड का। तो आपको वीडियो को कभी भी इंट्रो के साथ शुरू नहीं करना है। ये मिस्टेक मैंने पहले करी थी और इसलिए आज मेरी बहुत सी वीडियो है जो रैंक नहीं कर रही है। मिस्टेक नंबर 3 है नॉट कमिंग ऑन द पॉइंट। दोस्तों मैंने कुछ ऐसे स्मॉल यूट्यूबर देखे हैं जो कुछ बिग यूट्यूबर के स्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में अपनी वीडियो को लंबा कर देते हैं और पॉइंट पे नहीं आते। जिस इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने वीडियो बनाई है वो इन्फॉर्मेशन वो समय पे नहीं देते, थोड़ा लेट देते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यूअर्स उनकी वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अपनी जो भी वीडियो आप बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन 10 से 15 सेकंड के अंदर दे देनी है, वरना तो आपका व्यूअर आपकी वीडियो को छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों मिस्टेक नंबर 3 है नो कॉल टू एक्शन इन वीडियो। दोस्तों मैंने कई ऐसे स्मॉल यूट्यूबर को देखा है जो वीडियो तो बना देते हैं और उनकी वीडियो वायरल भी हो जाती है और चल भी जाती है, मगर उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो उसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों वो अपनी वीडियो में व्यूअर को बताते नहीं है कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को। और दोस्तों आपको ये बताना होता है 15 सेकंड से पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर आपकी वीडियो को 15 सेकंड से पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। एंड में बताने से इससे ज्यादा फायदा नहीं होता है, तो दोस्तों इसे आपको 15 सेकंड के अंदर ही अपने व्यूअर को बताना है। दोस्तों मिस्टेक नंबर 5 ये है नॉट यूजिंग एंड स्क्रीन फीचर। दोस्तों मैंने कई ऐसे स्मॉल यूट्यूबर को देखा है जो अपने वीडियो में एंड स्क्रीन फीचर यूज नहीं करते हैं और कुछ तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो एंड स्क्रीन फीचर के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप एंड स्क्रीन फीचर के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि इसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कैसे यूज करें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आप एंड स्क्रीन आउट्रो बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो उसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप कार्ड में अभी से उसे चेक कर लीजिए। बोनस टिप, मेक वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। दोस्तों आपको अपनी वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनानी है, जिससे होगा ये कि व्यूअर आपकी वीडियो को पूरा देखेगा, जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और आपकी वीडियो रैंक करेगी। और किसी के पास भी एक्स्ट्रा वक्त नहीं होता दोस्तों जो वो 10 मिनट की वीडियो देखे, तो इसीलिए अपनी वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड और यूट्यूब रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं 60 लाइक्स का टारगेट रखता हूं। अगर इस वीडियो ने 7 दिनों के अंदर 60 लाइक्स पूरे कर लिए तो मैं एसईओ से रिलेटेड और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस पे 60 लाइक जल्द ही पूरे हो जाएंगे।